You चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन फ्रॉम सिक्सटीन और क्वेश्चन है डिफाइन दर्म फर्स्ट लाइफलीकेंड एसोसिएट को जो है और दूसरा दोनों अलग अलग डिवीजन है कैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडल सोल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है एक है लाइफ दूसरा है लाइफिक वी हैव टू डिफाइन लाइफ लिक हेयर और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन करते हैं एसोसिएट कोलाइड को मल्टी मोलिकुलर कोलाइड को और मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड को डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं तो पहला जो है इंट्रैक्शन के बेसिस पे है लाइफलिक कोलाइड को डिफाइन करना है अब समझिएगा लाइव स्टैंड फॉर लिक्विड अब कैन से सॉल्वेंट लविंग तो डिस्पर्सन मीडियम में और डिस्पर्स फेज अगर दोनों में अच्छा इंट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज अच्छी तरीके से अगर इंट्रैक्ट कर लेता है तो हम जो कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन होगा विल डिफाइन लाइफलिक कोलाइडल सोल समझ में आई बात तो लाइफ लिक्वलाइड को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे इस तरह लिखते हैं तो आपको वन मार्क्स गारंटी मिल जाएंगे है ना तो यहाँ पे समझिएगा लाइव स्टैंड अगेन लाइव स्टैंड फॉर क्या लिक्विड क्या बोलते हैं इसको लिक्विड ठीक है एंड फिलिक फिलिंग दैट इज कॉल्ड लविंग तो अगर लिक्विड लविंग है लिक्विड बोले तो डिस्पर्सन मीडियम यहां पे या फिर सॉल्वेंट लिख सकते हैं तो अगर इस तरह से है तो हम क्या कहेंगे लिक्विड लविंग जो कोलाइडल सोल होते हैं दैट इज कॉल्ड लाइफली कोलाइड नाउ व्हाट इज एसोसिएट कोलाइड अब सोचो देर आर सम सब्सटेंस जो कि अगर हायर कंसेंट्रेशन पर देखा जाए तो वो कोलाइड का फॉर्मेशन कर लेती है लेकिन अगर लो कंसेंट्रेशन रखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करती है दैट काइंड ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड एसोसिएट कोलाइड डिफिनेशन काफी क्लियर कट है तो आपको यहां से वन मार्क्स और वन मार्क्स मिल आएंगे आप खुश फैमिली खुश मार्क्स आ जाएंगे मजा आ जाएगा चलो इस मजा को बरकरार रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल कोलाइडल सोल सोल वजह वजह तो बहुत है के स्टेबिलिटी का वन ऑफ द वजह क्या है कोलाइडल सोल ऑलवेज कैरी अ चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन चार्ज कैरी करता है एक वजह तो हो गया लेकिन एक ही वजह पूछा दूसरी वजह प्रोनियन मोशन प्रोनियन मोशन की वजह से कोलाइडल सोल में स्टेबिलिटी आती है किस कैसे ब्राउन इन मोशन होता क्या है अब कोलाइडल पार्टिकल अगर मूवमेंट करते हैं है ना मूवमेंट की वजह से क्योंकि यहाँ पे जो बढ़मानसन मीडियम पार्टिकल जो कर रहा है डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल पे वो अनबैलेंस कर रहा है अनबैलेंस कर रहा है जिसकी वजह से जिगजग मोशन कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं और इसी जिग मोशन की वजह से कोलाइडल सोल वो

कोलाइडल सोल प्रिसिपिटेट कर जाते हैं अगर उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो फिर से कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे द फेनोम वी कॉल पेप्टाइेशन ओके तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट बाय द कोलाइडल सोल बाय एडिंग ट अगेन इन कोलाइडल रेंज जो पिपटी बन चुका है जो प्रिपेड हो चुका था उसको फिर से कोलाइडल रेंज में लाने की जो प्रक्रिया है जो फिनमुना है वट इज जीटा पोटेंशियल सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्सड लेर एंड फ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल अच्छा क्या बोल दिया वट इजा पोटेंशियल सी यहां पर अगर देखा जाए तो ये पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है है ना पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है उसमें अगर AgNO3 को मिलाया गया है क्या AgNO3 को अगर मिलाया गया है तो ये AgI का प्रेसिपिटेट बना लेता है और AgI क्या करती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के थ्रू आयोडाइड माइनस को अपने पास एड्सॉर्ब कर लेती है तो ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड फिक्स लेयर और अल्डाइड आयन है तो पोटेशियम प्लस को अपने पास रखी दिस इज कॉल्ड फ्यूज लेयर अच्छा जब चार्ज का डिफरेंस है अगर चार डिफरेंस है तो यहां फिक्स लेयर और फ्यूज लेयर के बीच में डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे ठीक है नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन अब यहां पे समझा जाए कि कोलाइडल सोल कोलाइडल सोल में डिस्पर्स फेज है और dispersion मीडियम है अच्छा ऐसा है हाँ तो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है वो जिग-जैग मोशन करते हैं जिग-जैग मोशन जो कर रहे हैं उसी मोशन को क्या कहते हैं ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउन साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड ब्राउन तो ध्यान में रखिएगा तो जिग-जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन और ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल की ओके okay, सो so इस तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं यू कैन सी फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ ऑफ स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट ठीक है नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस एंड थर्ड जिगजैक मोशन तो यू कैन सी टेक योर टाइम एंड नेक्स्ट वी नीड टू डिफाइन जीटा पोटेंशियल अभी डिफाइन कर चुका हूं थर्ड मल्टी मल्टी कोलाइड अगेन रिपीटिंग कि जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे जो डिफाइन हुआ था कोलाइडल सोल जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे एसोसिएट कोलाइड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड एंड माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड में तो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड जैसे नाम से ही क्लियर है बहुत सारे एटम छोटे एटम छोटे मोलिकुल जब मिलके वो क्या कर लेते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं तो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ कोलाइड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल्स कम इन एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड तो इस तरह से आप डिफाइन कर लोगे तो एक मां का क्वेश्चन है इजी है नेक्स्ट देखा जाए आउट ऑफ सिल्का जेल एंड एनहाइड्रस सी एस सी एल टू अगर देखा जाए तो सी एस सिल्का जेल जो है अच्छा एडजॉर्बेंट का काम करती है अब देखोगे कि कभी आप इलेक्ट्रॉनिक uh, डिवाइस लोगे कभी महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर कॉस्टली लेते हो तो आपको उसमें सिल्का जेल uh, की पर्ची मतलब बैग जो होता है वो डाल दिया जाता है उसके uh, जो uh, जो आप कह सकते हो जिसमें पैकिंग होती है उसमें डाल दिया जाता है क्या करता है मॉइस्चर से बचाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शूज लेने जाओ लेदर के कुछ आइटम्स लेने जाओ तो आपको ये सब मिलेंगे ताकि जो मॉइस्चर है जिसकी वजह से खराब हो सकता है जेल क्या करती है वो है वो कर लेती नेक्स्ट आउट ऑफ एस्ट्रोसो फोर एंड एस फोर विच वोर इफेक्टिंग चार्ज सोल अगर ऐसा है तो हार्डी सेल रूल लगाना है क्या है हार्डी सेल रूल क्या है इसमें कहता है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज सोल को अगर करना है तो नेगेटिव चार्ज सोल कर पाएगा और जिसकी ज्यादा पावर होगी वो अच्छे से कर पाएगा तो अब बताइए थ्री माइनस है कौन अच्छे से करेगा पीओ फोर थ्री माइनस हेज मोर कोगुलेटिंग पावर टू माइनस दैट्स इट ओके रीजन क्या है हाँ रीजन आप लिख सकते हैं कि ये

नेक्स्ट है आउट ऑफ एम जी सी एल टू एंड एल सी एल थ्री उसी टाइप के क्वेश्चन का नेचर देख सकते हो विच वन इज मोर इफेक्ट इन कोजिंग कोगुलशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल एंड क्या वजह है वजह हार्ड इज है और इसमें देखा जाए तो कौन बनाएगा तो मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज है अल्मोनियम पे प्लस

नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म वेन लिक्विड इज डिस्पोर्स इन सॉलिड लिक्विड को जब सॉलिड में डिस्पोर्स कर दिया जाता है तो जो कोलाइडल सोल बनता है सॉलिड तो है डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड है फेज yes. अगर लिक्विड है, है तो जो सोल बना है कोलाइडल सोल्यूशन सोल्यूशन जो बना तो है, तो तो है, है, है. है, तो है तो सॉलिड अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो जेल अगर लिक्विड लिक्विड मिला है तो इमल्सन ओके ना एग्जाम्पल चीज बटर जो भी है जैम हम किसान का फ्रूट जैम होता है जो ब्रेड में लगा के खाते हैं तो अब यू कैन राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से एक एक मार्क का क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस इन ऑफ द फॉलोइंग एक एक डिफरेंस से आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे मल्टी मालिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएट कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे साइज ऑफ uh, uh, जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स फेज uh, के पार्टिकल्स है उसके बेसिस पे और दूसरा डिफाइन करना है कॉगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन सी अगर मल्टी कोलाइड को डिफाइन करना है जो कि पहले भी डिफाइन कर चुका है इन दोनों को डिफरेंस क्या है एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो मल्टी मोलिकुलर नाम से क्लियर है मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एसोसिएट कोलाइड की बात किया जाए तो एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस तो यहां पे मॉलिक्यूल्स है यहां पे आयन है इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एसोसिएट कोलाइड ओके बी में जो पूछा गया कॉगलेशन ऑफ पेप्टाइजेशन में तो कोलाइडल सोल अगर वो सेटल डाउन कर जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे कोगुलेशन और अगर वो कोगुलेट हो चुका है अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर फिर से कोलाइडल सोल बना दिया जाए तो वी कैन से पेप्टाइजेशन तो कोलाइडल सोल को अगर फॉरवर्ड करते हैं तो कोगुलेशन और अगर कोलाइडल सोल जो कोगलेशन बन चुका है कोगलेट हो चुका है उसको अगर रिवर्स करते हैं तो पेप्टाइजेशन तो समझिएगा है ना तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और पेप्टाइजेशन में ध्यान रखिएगा शेकिंग से नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के ऐड होने से हो रहा है ठीक है नेक्स्ट राइट वन डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइफोबिक एंड लाइफ पहले uh, किया हूं कि लाइफ लिक सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन है और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अगर इंट्रैक्शन नहीं है मतलब इंट्रैक्शन कमजोर है तो लाइफोबिक फोबिक सोल बनेगा फोबिय स्टैंड फॉर फोबिया मतलब हेट हेट नेचर मोर है ना आपने हेट स्टोरी देखा होगा तो हेट नेचर में

चार्ज ऑन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब अब सोचो अगर एन के सॉल्यूशन में एफ थ्री को मिलाया गया है तो ओ एच माइनस चार्ज आएगा कोलाइडल सोल कैसा बनेगा नेगेटिव कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन होता है तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हुआ कैसे ओ OH एच पे आया है तो होगा क्या Fe2O3, oxides of Fe एफ टू ओ थ्री ऑक्साइड ऑफ एफी आयरन हाइड्रेटेडेशन ऑफ अगर पलट दिया जाता कैसे कि अगर NOH के जगह पे हॉट वाटर में अगर मिलाते FeCl3 को तो क्या होता अगेन बनेगा तो सेम एफ थ्री डॉट एक्स टू यहां पे तो ठीक है लेकिन इस बार एफ्री प्लस का

हाउ डिल यू प्रिपेयर आर्सनिक सल्फाइड सोल इन दैब प्रिपेस ऑफ कोलाइडन सोल में अगर देखा जाए तो एक वन ऑफ द मेथड है और काफी इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी ने काफी अच्छे से मैं बाई द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ आर्सनिक सल्फाइड राइट वाइट द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ आर्सोनिक सॉरी आर्सोनिक ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड अगर एस टू ओ थ्री के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड का तो क्या बनेगा दिस इज द ए एस टू एस थ्री सोल का फॉर्मेशन होता है तो आर्सनिक uh, ऑक्साइड के साथ अगर मिला दिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड तो आर्सनिक सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये ध्यान में रखिएगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एजीआईज प्रिपेयर्ड ठीक है बाय एडिंग एजियोनो थ्री ड्रॉप बाय ड्रॉप टू एक्सेस के आई सोल्यूशन में को करेंगे, तो नेगेटिव सोल का फॉर्मेशन होगा किसका नेगेटिव चार्ज सोल का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो निगेटिव चार्ज सोल इज फॉर्म ड्यू टू एडजस्ट आई माइनस फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम अगर रिप्रेजेंटेशन करने की बारी आई तो आपको किस तरह लिखना है एजी आई जो precipitate बनाया है वो किसको i माइनस को क्या कर रहा है कि एडजॉब कर रहा है ठीक है ओके अगर agi agi प्लस को अगर करता जो कि आ, अगर वाइज वर्षा वाला केस ले लेंगे तो होगा तो agi प्लस का डिस्पर्सन मीडियम एडजॉप्शन करेगा तो उस समय पॉजिटिव चार्ज सोल का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन यहां पे चूंकि ए जी थ्री को मिलाया गया है सो यहाँ माइनस आयन एड्ब होगा और निगेटिव चार्ज सोल का फॉर्मेशन हो जाएगा राइट सो उन मार्ग का क्वेश्चन था जी है हा जी है क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एडर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ सिलिका जेल नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिलिका जेल सिल्का जेल से कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं लेट्स सी व्हाट इज द डिजॉर्प्शन फेनोमिना देखो एडजॉर्प्शन समझे और डिजॉर्प्शन समझे। एडजॉप्शन लास्ट के सेशन में बात हुई थी एडजॉप्शन होता है क्या है कि पार्टिकल अगर है ना जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट होते हैं अगर एडजॉर्बेट पार्टिकल एडजॉर्बेंट पे आके चिपकते हैं हम क्या बोलेंगे एडजॉर्पसन फिनोमेना कहलाती है लेकिन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जो सरफेस पे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अगर एडजॉर्बेट आके बैठ चुका है अगर फिर से अगर हमें रिमूव करना हो तो प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉपसन है ना तो इसमें यही केस लिया गया है बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एडर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिल्का जेल सिल्का जेल एक अच्छा एडजॉर्पन करवाती है ना गुड एडजॉर्बेंट है तो क्या करेगा अगर एडजॉर्बेंट अगर अच्छा है तो अगेन रिमूव करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर से अपने पोजीशन पे पहुंचाना या फिर कहीं भी पहुंचाना हो मतलब एडजॉर्बेंट पे नहीं होना चाहिए तो प्रोसेस जो यूज करते हैं और वी कैन सो फोनोमेना इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन क्या कहेंगे डिजॉर्प्शन फोनोमेना कहलाती है नेक्स्ट एसोसिएट ऑलरेडी डिफाइन एंड सेकंड ओ स्लास डब्ल्यू मल्सन ए होता क्या है देखो ऐसे तो ये लेक्चर अब सिलेबस में है नहीं लेकिन जाननी जरूरी है इसके एप्लीकेशंस बहुत ही शानदार है आपको एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खूब मिलेंगे इमल्शन इमल्सन होता क्या है एम इमल्सन जब लिक्विड लिक्विडन फेज और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो लिक्विड लिक्विड जब कोलाइडल सोल बनाते हैं तो दैट काइंड ऑफ कोलाइडल सोल इज कॉल्ड इमल्सन क्या कहेंगे इमल्सन कहेंगे राइट right? तो अब यह डब्ल्यू वट इज मीनिंग ऑफ दैट इज मीन ऑयल इन वॉटर इमल्सन क्या बोला मैंने ऑयल इन वॉटर ऑयल Kind of right? मतलब मतलब तो मिलाया जाता है तो जो भी इमल्शन फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड ओ ऑयल इन ड्रॉ वॉटर या फिर डब्लू इमल्सन लेकिन अगर यहां पर केस को चेंज कर दिया जाए बोला जाए वॉटर वाटर इन ऑयल तो ऑयल यहां पे क्या है डिस्पर्सन मीडियम है और वाटर क्या है डिस्पर्सन फेज है अगर ऐसा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज ओ स्लैस डब्ल्यू इमल्सन कह सॉरी डब्ल्यू स्लश ओ इमल कहलाएगा ठीक है तो यहां समझिएगा अगर लेटर है तो ये डिस्पर्सन मीडियम है और अगर ये कॉमन है तो वी कैन से दिस इज डिस्पर्सन फेज तो यहां पे वाटर में ऑयल को मिलाया गया है, तो क्या कहलाएगा दैट इज कॉल्ड वाटर ओके एसोसिएट कोलाइड पहले डिफाइन कर चुका हूं आप डेफिनेशन को देख सकते हैं ऑयल इन डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम जैसे कि मिल्क मिल्क वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा है है ना 87 परसेंट का अप्रोक्सीमेट वाटर होता है और उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट प्रजेंट होते हैं जैसे कि लॉट ऑफ विटमिन होते हैं क्वालिटीज लैक्टोज एसिड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फैट प्रजेंट होते हैं है ना तो वो इमल्सन बनाती है है ना तो मिल्क क्या है ऑयल इन वॉटर का काफी अच्छा एग्जाम्पल है अगेन देफाइन लाइफिक एंड लाइफलिक सोल विथ एन ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ इज वाई इज कॉगलेसन ऑफ लाइफ लिक सोल डिफिकल्टीज कंपेयर टू लाइफ हॉबिक लाइफ लिक स्टेबल है यार लाइफ हॉबिक के कम्पेरिजन में अगर देखा जाए तो दोनों में प्यार है मोहब्बत एक खुद से बने हैं लाइफ हॉबिक तो हेट है बनाया गया है ना तो आप एक बार देख सकते हो इसके सोल्यूशन को नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2020 ट्वेंटी दो मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है वह द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी देखो चार्ज स्टेबिलिटी की वजह है कोई नकारा नहीं जा सकता है, है ना चार्ज स्टेबिलिटी की वजह है लेकिन अगर चार्ज सिमिलर चार्ज हो

एजीनो थ्री सोल्यूशन टू के आई सोल्यूशन राइट अगर ऐसा है तो एना है तो निगेटिव चार्ज सोल का फॉर्मेशन हो जाता है, है ना निगेटिव चार्ज सोल्यूशन सोल का फॉर्मेशन होगा अगर प्रिफ्रेंशियल एजी प्लस का होगा तो पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड गया को को राइट तो आप एक बार uh, को काफी अच्छे से निहार method, एक method बताना है बाय विच कोगुलेशन ऑफ लाइफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट आउट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड दूसरा जो पार्ट में वन मार्क जिससे आपको मिलेगा उसमें से पूछा गया आउट ऑफ पोटेशियम हाइडाइड और केटसोफोर विच इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर इन द कागुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल ये एक एक मार्क का क्वेश्चन है अगर यहाँ से एक, एक जवाब दे दिए वन मेथड बता दिए तो आपको वन मार्क्स अगर पोटेशियम हाइडाइड केट्योसोफोर में आपने सेलेक्ट कर लिया तो दो मार्क्स मिल जाएंगे समझते हैं अगर देखा जाए हमें कोगुलेट करना है लाइफोबिक सोल को तो इलेक्ट्रोफोरिस यूज कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से किया जा सकता है किया जा सकता है और हीटिंग से भी किया जा सकता है तो कोई एक मेथड आप लिख दोगे तो आंसर आपके करेक्ट मान ले जाएंगे और पोटेशियम आयोडाइड और केट सो में अगर आ, यूज करना है किसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है तो हार्डी सेल रूल हमें ध्यान में रखना है कौन सा हार्डिसल रूल तो अकॉर्डिंग टू Hardy. पहले ही भी कुछ क्वेश्चन में मैं इसके चर्चा कर चुका हूं तो क्या होगा पोटेशियम अगर है तो इसका आयन है अगर तो एन आइएस है तो अगर कोगलेटिंग पावर की बात की जाए तो एसओ फोर टू माइनस है कौन सा बेहतर होगा बेहतर इलेक्ट्रोलाइट के टू एसओ फोर होगा टू प्रेसिपिटेट पॉजिटिव सोल ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 से दो मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन है डिफाइन ब्राउनियन मोशन या फिर ब्राउनियन मूवमेंट व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट इन कोलाइडल पार्टिकल क्या कारण क्या है हाउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल हम पहले भी देख चुके हैं कि कोलाइडल सोल की स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर ब्राउनियन मोशन है है ना ब्राउनियन mo, मोशन की वजह से पार्टिकल सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं तो वजह तो आपको समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबल क्या है रिस्पॉन्सिबल किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि अगर वो जिग्जैक मोशन करेगा पार्टिकल का जो मोशन है दैट इज जिग्जैक मोशन अगर जिग्जैक मोशन करेगा तो वो प्रिसिपिटेड मतलब कोगुलट होने नहीं देगा कोलाइडल सोल को तो जिगज मोशन इनके लिए स्टिटी का वन ऑफ द रीजन बन जाता है उसी जिगज मोशन के को क्या कहते हैं ब्राउनियन मोशन कहते हैं ब्राउनियन यह पहले भी बोला हूँ कि ब्राउन जो थे साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड ब्राउन उन्होंने जो मूवमेंट देखा जिगजग मूवमेंट जो देखा दैट मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन राइट और ब्राउनियन मूवमेंट व्हाट इज द कोज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या वजह ब्राउनियन मूवमेंट ठीक है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो समझ में आ गया कि हां कोलाइडल पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होने देगा लेकिन वजह क्या है कि ब्राउनियन मोशन हो रहा है अब सोचो डिस्पर्सन मीडियम क्या करता है उस पर अनबैलेंस बोमेंट करता है जिसके कारण पार्टिकल जिग जैग मोशन करता है अगर बैलेंस करता तो एक इनफॉर्म मोशन होता लेकिन जिगजग मोशन जो है वो अनबैलेंस बॉबॉन्डमेंट किया जा रहा है डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल के द्वारा जिसकी वजह से डिस्पर्स के जो पार्टिकल है वो जिगजग मोशन कर रहे हैं है ना ठीक है सो दिस वे वी कैन डिफाइन ब्राउनियन मोशन और हम कॉज दे सकते हैं और रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है स्टेबिलिटी के लिए बात कर सकते हैं आई थिंक यू कैन सी द दोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और तसली से देखें समझे आई थिंक दिस सेशन इज ओवर राइट तो सरफेस केमिस्ट्री में अपने को दो पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है एक है एडजॉर्प्शन दूसरा दिसवान राइट right? कोलाइडल सोल क्योंकि कोलाइडल सोल में भी इमर्शन और जेल को हटा दिया गया है और एडजॉर्ब्सन में के बाद जो थ्योरी आती थी कैटलिस्स और कैटलाइज ये सब खत्म कर चुका है इस जो भी एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा अगले बोर्ड में राइट right? तो ये खत्म हो गया बाकी आपको क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरे वीडियो को आराम से देखें इतमान से देखें आपके लिए सही कंटेंट सही प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और समय भी काफी सही है उचित समय है ओके okay, तो बेस्ट ऑफ लक गुड लक फॉर एग्जाम थैंक यू एंड बाय